हमेशा याद रखो, जब भी कभी भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना हो, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना बच्चे, वो ये करते हैं कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाते। आपको आता सब है, आपको पूछ लिया जाए आरबीसी क्या है, आपको पता है आरबीसी क्या है, लेकिन वो लिखना कैसे है उसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है व्हाट डिफाइन एक्सप्लेन, ठीक है, इसी की फॉर्मेट में आएगा, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, डिस्कस टर्म यूज की जाएगी। आप पहले तो देखो कि किस बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पेपर पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, रीड करो जरा एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर प्रोसीजर ऑफ ईएसआर बाय मैथमेटिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है ईएसआर के बारे में, क्या बताना है, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोसीजर कौन सा, माइक्रो मेथड। तो ये तो डिफाइंड हो गया कि ईएसआर के बारे में बताना है, उसका प्रोसीजर बताना है, मेथड स्पेसिफिक माइक्रो मेथड से बताना है, ठीक है। अब मान लो इसमें से आपको सिर्फ ईएसआर के बारे में पता हो और आपको एक प्रोसीजर की आपके भी माइक्रो मेथड याद ना आ रहा हो, तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक तो एक भाई तीनों चीजें पता है, ठीक है, तो कैसे आंसर लिखा जाए, एक हमें सिर्फ एक पार्ट पता है लेकिन आंसर कैसे लिखना है ये नहीं पता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले तो ईएसआर के बारे में लिखो, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिख डालो, कम से कम 30 से 45 वर्ड का रखना इंट्रोडक्शन, तो आपकी 3 से 4 लाइन में कवर होगा, ठीक। एक हेडिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसकी, जो हेडिंग आपसे पूछी गई है, यहां पे ईएसआर पूछा गया, ठीक है। 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कितना भी गलत लिखोगे ईएसआर के बारे में कुछ तो सही लिखोगे, तो 1 से 2 मार्क्स तो मिल गए आराम से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीधा, प्रोसीजर पूछा गया है, इसका मतलब कोई मेथड होगा, ठीक है, तो मेथड लिख दो, जितने याद हो उतने ही लिख दो, 1 मार्क्स यहां बन गया, ठीक है, 1 से 2 मार्क्स यहां बन गए। अगर बहुत अच्छा डिफाइन किया होगा इंट्रोडक्शन में तो 2 मार्क्स दे देगा, नहीं किया होगा थोड़ा बहुत लिखा होगा, सिंपल फुल फॉर्म भी लिख दी होगी तो आधा 1 मार्क्स तो दे ही देगा, ठीक है। उसके बाद आपने मेथड लिखा, मान लो 4 मेथड लिख दिया आपने, विंट्रो, वेस्टर्न ग्रीन, मैक्रो, माइक्रो, हालांकि है तो 3 ही है लेकिन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, माइक्रो मैक्रो एक पार्ट में आता है, उसके बाद फिर सब पार्ट और कर दिया उसका, विंट्रो का, वेस्टर्न ग्रीन का, ठीक है। तो 1 से 2 मार्क्स यहाँ पे भी आपको कवर कर देगा वो, अगर इतने अच्छे से डिफाइन करोगे तो, ठीक है। उसके बाद अब क्या पूछा गया है, उसमें पूछा है प्रोसीजर, ठीक है, आपको जो प्रोसीजर याद है और जो पूछा गया है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज होती है, मान लो माइक्रो पूछ दिया गया तो आप मैक्रो मत लिखो, टीचर चेक करने वाला इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि जो पूछा गया है वो नहीं बता रहे हो आप, कुछ और ही बता रहे हो, ठीक है। तो उससे बेटर क्या है, आपको माइक्रो नहीं आ रहा है प्रोसीजर छोड़ दो, फिर सीधा पे आ जाओ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो सेम ही होगा सब में, चाहे माइक्रो कर लो या मैक्रो कर लो, ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिख दो, तो यहाँ पे 2 से 4 मार्क्स दे देगा वो आपको, ठीक है। मान लो भाई माइक्रो मेथड इसने मान लो 5 मार्क्स में रखा होगा प्रोसीजर, और वो तो 5 मार्क्स में ये भी तो रखा होगा, तो ईएसआर के बारे में तो बताते जाओगे, सो कुछ सोर्स ऑफ एरर लिख दो, ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन में होता है ये फलाना ढिमकाना, वो कर दो, क्लियर हो गया। तो अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है आंसर में, अब अगर आंसर याद है तो कुछ भी नहीं आया तो 5 मार्क्स तो आप उठा ही ले जाओगे, ये वो कंडीशन है आंसर लिखने की, जब हमें कुछ भी जो पूछा गया है उसमें से बस कुछ एक आधी चीजें याद है, ईएसआर क्या होता है ये पता है, ये नहीं पता कैसे लगाया जाता है, ये नहीं पता माइक्रो मेथड क्या होता है, लेकिन ये पता है ईएसआर क्या होता है, तो उसमें आप 5 मार्क्स तो खींच ही गए,
बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैसा खड़ा होगा, याद हो? बेशक प्रोसीजर ना याद आ रहा हो, इतना तो पता है ईएसआर रिलेटेड टू इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी घटेंगे तो क्या होगा, आरबीसी बढ़ेगा तो क्या होगा, कोरिलेशन याद आ जाएगा। ठीक है, कुछ मिलता जुलता एड ऑन करके लिखो, क्लियर हो गया। हमेशा याद रखो थ्योरी विद डायग्राम मार्क्स अच्छे देके जाता है। आपको ईएसआर का मेथड लिखा, आपको वेस्टर्न ग्रीन का ट्यूब का डायग्राम याद है, एक 0 से 120 बना दो। विंट्रोव का याद है 0 से 10 बना दो। कैपिलरी का याद है वो चार्ट फॉर्मेशन बना दो। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन याद है या आपको पता है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और थोड़ा थोड़ा ध्यान भी है तो उसको कैसे लिखा जाए, कैसे उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लिया जाए। देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना बहुत जरूरी होता है। कई जगह आ जाता है डिफाइंड आरबीसी 5 मार्क्स में और लिख देते हैं बच्चे 2.5-3 पेज। 5 ही तो मिलने हैं, 2.5 पेज लिख के क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीजें लिख दो। क्लियर है? कितना कैसे लिखा जाए आप बता रहा हूँ। कोई दूसरा क्वेश्चन बताओ, What is RBC? यानी आरबीसी के बारे में बताना है तो आगे ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है आरबीसी क्या होती है, हिमेटोपोइसिस ऑफ आरबीसी पता है, ये पूछा गया ना, हिमेटोपोइसिस ऑफ आरबीसी और आरबीसी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लगाओगे इसका। कितने में लग गया, 30 से 40 या 50 शब्द में इंट्रोडक्शन कवर कर दिया, 30 से 50 के बीच में इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के बाद एनाटॉमी। अब यहां देखो हेडिंग का ध्यान, एनाटॉमी ऑफ आरबीसी। इंट्रोडक्शन में तो बताया आरबीसी क्या होता है, एक ही चीज को चार तरीके से बताना आना चाहिए, आंसर राइटिंग की यही स्किल होती है। क्लियर हो गया? आरबीसी रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी जो है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है हमारी ब्लड सेल्स का, हो गया आरबीसी। अब एनाटॉमी बतानी है, एनाटॉमी में क्या करोगे, तो उसका शेप साइज और भी कुछ है, दो ही चीज आता है, शेप साइज होता है। ठीक है, फिर फिजियोलॉजी ऑफ आरबीसी फंक्शन, हेडिंग वही है, बता आरबीसी के बारे में रहे हो सकता है तुमने इंट्रोडक्शन में डिफाइन भी कर दिया हो लेकिन सेपरेट करके लिख रहे हो, समझ रहे हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। उसके बाद पैथोलॉजी ऑफ आरबीसी यानी उसकी क्या डिजीज डायग्नोसिस कैसे होगा, तो यहाँ पे अब आ जाएगा नॉर्मल रेंज आ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाएगा इसका, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा इसका। 5 मार्क्स तो ले रहे आराम से, ज्यादा ही ले रहे बिल्कुल, क्लियर हो? ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर सेल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो उसकी जरूर लिखते हो, पैथोलॉजी भी लिखते हो, बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा रिएक्शंस लिखोगे, कैसे रिएक्ट करता है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ये 3 चीजें लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना था जी, तो हिमेटोपोइटिक ग्रोथ के बारे में लिखना था इसकी, तो हिमेटोपोइटिक ग्रोथ कैसी होगी, तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 स्टेजेस तो जरूर याद रख लो। ठीक है, और उसके बारे में 2-3 लाइनें याद रखो, इसे कहते हैं डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो आपको उसके बारे में पता लगेगा कि रेटिकुलर साइड कौन सी स्टेज होती है, उसमें 2 लाइनें लिखो उसके बारे में। 2 लाइन का मतलब हो गया कम से कम 20-30 वर्ड तो हो ही गए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप आंसर अटेम्प्ट करते हो, हेडिंग बेस्ड आंसर, डायग्राम बेस्ड आंसर, एरो डायग्राम बनाओ आंसर में,
तो एक रिप्रेजेंटेटिव लगेगा आंसर आपका, शीट बहुत रिप्रेजेंटेटिव लगेगी, बहुत इजी वे में चेक करेगा इंसान। हमेशा याद रखना जब भी कोई एग्जामिनर, मैं भी एज एग्जामिनर कॉपी इवैल्यूएशन के लिए जाता हूँ, तो मैं भी उसकी कॉपी देख के ज्यादा अच्छा लगता है जिससे बहुत क्लियरली लिखा हो। आपको पता है आपको नहीं आता, लेकिन हेडिंग तो बना सकते हो ना, चीजें हाईलाइट कर सकते हो। अब इसमें रिस्क भी होता है, एक बार रिस्क क्या होता है, रिस्क ये रहता है कि आपने जो चीज आपसे जो चीज पूछा गया है वो आपने बताया नहीं और ऊपर से हाईलाइट आउट कर दिया, वहां थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो उसको ध्यान में क्या करना होता है कि उस पे हमें वर्कआउट करना है कि उसको पॉइंट आउट वे में ना लिखे, फिर उसको समरी वे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आंसर लिखना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं।